हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप पहले मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि कैसे कि शैम्पू करने के बाद जो कि उलझते हुए बाल होता है तो उसको कैसे कंघे करें। मैं ऑलरेडी शैम्पू की हूँ तो उसके बाद हम ये कंघे कर रहे हैं। तो पहले चूटी दो साइड में तैयार कर दे, दोनों साइड में। और हेयर कमिंग करने के टाइम पर जो कम है थोड़ा सा बड़ा वाला दांत पल्ला यूज़ करने से चोटी कम गिरता है। अगर छोटा दांत रहता है तो ज़्यादा चोल गिरता है, तो इसलिए आप बड़ा दांत वाला कंघे ही यूज़ करें। लंबा हेयर में छोटा दांत वाला कंघे में कंघे करने से बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और शैम्पू करने के बाद चोल सूखने के बाद ही कंघे करें, क्योंकि गीला बाल में अगर कंघी करते हैं तो बहुत हेयरफॉल होता है। यहाँ पे हम कंघी कर रहे हैं। देखिए, मेरा हेयर में ज़्यादा तो नॉट्स नहीं आता है, इसलिए मेरा सिंपली ही हो जाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपका ज़्यादा नॉट आता है तो पहले आप उसको हाथ में तैयार करें, हाथ में उसको ठीक करें, क्योंकि अगर कंघी में ऐसे कंघी करते कम करते करते अगर आप उसको छुड़ाएंगे तो ज़्यादा चूल गिर जाता है। तो हाथ में अगर आप दोनों हाथ में लगा के नॉट सब से पहले सीधा कर देंगे, उसके बाद जाके कंघी करेंगे तो आपका चूल कम ही गिरेगा और तकलीफ भी नहीं होगा। और जब भी कंघी कर रहे हैं पहले ऊपर से धीरे धीरे करके फिर नीचे से पहले उसको ठीक कीजिएगा, नॉट छुड़ाएगा, उसके बाद जाकर ऊपर से नॉट जो होगा वो छुटाएगा। देखिए, इसे जैसे कि हम हाथ से इसे सीधा कर दे रहे हैं, क्योंकि मेरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉट हो गया है, तो इसलिए ऐसे ही हाथ से पहले कर दे, फिर उसके बाद जाकर उसके ऊपर कंघे करें। अगर ज़्यादा उलझता है तो आप सीरम अगर यूज़ करते हैं तो सीरम यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ऐसे कुछ यूज़ नहीं करते, मैं नॉर्मली शैम्पू करने के बाद हेयर पहले थोड़ा सा धूप में सुखाती हूँ, सूखने के बाद ही मैं कंघी कर लेती हूँ। आप चाहे तो सीरम यूज़ कर सकते हैं। और शैम्पू के बाद आप अगर कंडीशनर यूज़ करते हैं तो बहुत ही स्मूथ रहता है। और ऐसे ही कंघी करने से मतलब ठीक हो जाता है। पीछे से देखिए, मेरा बेटा भी बहुत परेशान कर रहा है सारा सामान निकाल के। दोनों साइड में सैर करके अगर कंघी करते हैं तो जल्दी चूल ठीक हो जाता है। और नीचे गिरता है चूल तो पैर में मत कब उठाइएगा, जब भी कर रहे हैं तो हाथ में उठाइएगा। और दोनों साइड में जब कंघी होता है तो उसको सीधा करके फिर बैक में करके कंघी कीजिए। और हाँ, और एक बात, सबको ही दिखाता है कि आगे में चूटी करके सबको ही शैम्पू करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा पर्सनल नॉलेज है, जो कि क्योंकि सबका अलग अलग प्रोसीजर होता है, अलग अलग सबको ही करते हैं। जो लोग आगे चूटी करके शैम्पू करते हैं तो उसमें ज़्यादा चोटी सुलझ मतलब उलझ जाता है। तो आगे करके चूल शैम्पू करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मली जैसे पीछे में आप कंघी करते हैं वैसे ही कंघी शैम्पू करें, तो उसमें ज़्यादा चोटी उलझेगा भी नहीं और इजीली आपका धोना भी हो जाएगा और कंघी भी इजीली हो जाएगा। अगर आगे करके चोटी आप शैम्पू करते हैं या कुछ करते हैं तो ज़्यादा चोटी उलझता है और ज़्यादा चोटी भी गिरता है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरा ऑलरेडी मतलब कंघे हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगी मेरा बहुत ही कम चोटी गिरता है, तो इससे मैं हर वक्त ऐसे ही रहती हूँ, मतलब चोटी बना के ज़्यादा कुछ तो मतलब नहीं बनाती हूँ, क्योंकि चोटी बनने में और एक इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूँगी, क्योंकि चोटी जो लेंथ होता है ऊपर से तो मोटा रहता है लेकिन नीचे में पतला हो जाता है, तो उसके लिए कुछ
जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ऑलरेडी मेरा चोटी बन के रेडी हो गया। आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए मेरा बहुत ही कम चोटी गिरा, जो कि बहुत ही कम। और आप अपना हेयर का ख्याल रखें और थैंक यू सो मच।